सतलोक में चल मेरी सुरता, मत ना लावे देरी। साच कहूँ ना झूठ रती भर, तू बात मान ले मेरी। सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में कहा है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बैबोरे, कौआ हंस पुकारे। पुण्यात्मा, जिसमें आपकी आत्मा जाग जाएगी, अर्थात इन तीन गुणों का जो इंजेक्शन आपके लगा हुआ है इकट्ठा ही, इसका नशा कम हो जाएगा, इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। वो होगा कैसे? ये एंटीबायोटिक टेबलेट्स आपको दी जाती हैं सत्संग के माध्यम से। इनको सुनकर, भक्ति साधना करने से आपके अंदर एक विशेष कसक होगी, और फिर आपको जो ये शब्द वचन जो दास बोल रहा है परमात्मा की वाणी का, कोट जन्म तो भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बैबोरे, कौआ हंस बगारे। आपकी आत्मा पर झटका लगेगा, अंदर से रोना आन लग जाएगा आपको। और जब प्रथम बार हमने सुना था यही मालिक की वाणी सुनी थी या ज्ञान सुना था, कुछ काना पर कटाड़े थे, कुछ विश्वास हो था ना हो था, किसने देखा है, क्या बता के क्या होगा। अपुणात्माओं, जैसे जिनके संस्कार कमज़ोर हैं या जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना, अच्छी आत्मा भी हैं, उनसे कोई भक्त कहता है कि चलो सत्संग में चला करो, परमात्मा की भक्ति करो, उनका प्रथम प्रश्न तो ये होता है कि अभी कौन सा हमारा समय भक्तिकरण का है। हम तो 20-25-30 वर्ष के हैं, भक्ति तो बुढ़ापे में करेंगे, सब चीज़ों से फ्री हो गए। पहली तो ये सोचना चाहिए कि बुढ़ापे तो ही क्या पता जीवन वृद्धावस्था तक पहुँचेगा कि ना पहुँचेगा, पहले टिकट कट जाए। दूसरे ये आशा करना कि बुढ़ापे में फ्री हो जाएगा, बुढ़ापे में तो दूना जकड़ा जाएगा। अब मान लीजिए आपके एक पुत्र एक पुत्री है, सीमित हुआ, आगे फिर पुत्र पुत्रियां के दो दो संतान होगी। अब उन संतानों के भी कोई ऊक चूक होती है तो आपके पहले चोट लगेगी। अब क्या गा फ्री हो गया आप, फिर कदे जाड़ पड़वानी, कदे बीपी आई, कदे लो हो गया, आँख बनवानी, तीन चार तो स्पेयर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, दांत चश्मे और किता, फिर बीपी की गोली। इससे भी फ्री अगर हो गए तो परमात्मा की भक्ति से भी बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। फिर उसको बताया जाता है, भगतजन बताते हैं जिस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हैं, कभी बिना भक्ति के फिर कुत्ते गधे सुअर बनोगे। फिर वो कहते हैं किसने देखा है आगे का, और फिर कहते हैं देखी जाएगी जो होगी। अब फिर के देखी जाएगी, गधा अपने पाचत कुमार देखेगा, आपने देखना तो ईब देख, विचार करो, विकार त्याग दो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो, भक्ति करो, फिर क्या देखा जाएगा। अब किसने देखा है, अंधा जा रहा है जंगल की ओर, रस्ते में उसको आंखों वाला बताता है कि सूरदास इधर मत जा, ये भयंकर बियाबान है, इसमें खूंखार जानवर रहते हैं, तुझे पाड़ खाएंगे। अब वो अंधा वीर थोड़ी बहुत गोटी ला रहा हो, वो बोल सके ये बातें, किसने देखा है देखी जाएगी। अब अंधे ने तो दिखता ना, आख्याण है कि वो मानता ना कि किसने देखा, वो देख रहा तभी तो बता रहा है कि इधर मत जा, भयंकर तेरे जीवन पर संकट आएगा। यदि वो मान जाता है तो जीवन रक्षा हो जाएगी, यदि नहीं मानता है तो जाकर देख, वही होगा जो आंखों वाला बता रहा है। ऐसे ही संत परमात्मा स्वयं आए थे, परमेश्वर या उनसे परिचित महापुरुष, परमेश्वर से परिचित, उनके ज्ञान से परिचित,
वो आंखों वाले थे, हम अंधे हैं, हम इस काल की माया ने अंधे बना रखे हैं। और हम अंधे ये बात कहें, आंखों वालों की वाणी है, उनका वचन है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। और हम नौ क्यों, किसने देखा है, ये देखकर बता रहे हैं। और हम अंधे फिर भी ये कहें देखी जाएगी, किसने देखा है तो हमारे फूट गए बाग कति। हमने विश्वास करना चाहिए इन आंखों वालों की बातों पर, ये हमारे हितैषी थे, इनको कोई स्वार्थ नहीं था, ये कोई डूम भाट नहीं थे, अपने स्वार्थ बस किसी की महिमा गा के अपना रोजी रोटी चलाई हो, ये परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, समृत शक्ति थी, हम आत्माओं के लिए ये संदेश देकर गए हैं। हमने उनके आदेश का पालन करना चाहिए, तभी हमारा छुटकारा हो। मन तू चल रे सुख के सागर, यानी सतलोक में चल, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को यानी सतलोक को प्राप्त होगा। परम शांति यानी पूर्ण सुख, तो वो सुख सागर है, सतलोक है, वो सनातन परम धाम सचखंड है। उसमें कैसा सुख है, शंखों लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई, जहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं। जैसे समुद्र के अंदर गहरा चले जाते हैं जहाज में बैठकर, तो वहाँ फिर जहाज के अतिरिक्त वहाँ कोई वस्तु नजर नहीं आती है, जहाँ देखे जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल। ऐसे ही सुख सागर सतलोक के अंदर सुख ही सुख, सुख ही सुख, वहाँ किसी प्रकार की टेंशन नहीं। और पुण्यात्माओं, आपने स्वर्ग की सतीथी पता लग गया, जैसे कल सत्संग में सुनाया था कि श्री ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक, वो बाबा आदम बने, और बाबा आदम जी स्वर्ग में बैठे हैं, और स्वर्ग में बैठे हुए दाईं तरफ देखते हैं तो स्वर्ग में उसकी अच्छी आत्माएं, अच्छे संतान सुखी है, उसको देखकर हंस रहे हैं, बाईं तरफ उसकी निकम्मी संतान थी, उनको कष्ट दिया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही है, उनको देखकर रो रहा है। स्वर्ग में भी चैन नहीं, 21 ब्रह्मांड में आग लगी है या कृत्रिमबाजी सब है, ठगी है। ऊपर के लोकों में, ऊपर का लोक एक स्वर्ग जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं, ब्रह्म लोक इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट है, उसमें हर तरह की बकवाद है। जो यहाँ पृथ्वी पर बकवाद नहीं उपलब्ध होती वो स्वर्ग में होती है, नाचना गाना बकवाद रंडी पैसा हुआ सब कोरी बकवाद स्वर्ग के अंदर। और यहाँ से पुण्य कर्म करके जो प्राणी जाता है उनकी पुण्य सारे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और वो जितने भी नाच गाने देखता है, जैसे भी कहीं जाता है, वहाँ तो केवल सैर सपट्टा है, कर्म अक्षेत्र नहीं है। स्वर्ग की परिभाषा बताते हुए आपको समझाते हैं कि जैसे कोई धनी व्यक्ति, जैसे राजस्थान हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश इसके अंदर जो रहता हो, और सारा वर्ष अपनी बिजनेस से कुछ पैसे इकट्ठे करे, 50-60 हज़ार रुपये लेकर और कुल्लू मनाली चला जा हिली स्टेशन पर, वहाँ रेस्टोरेंट में जाकर के रुकता है और होटल में कमरा किराए पर लेता है, सारा आहार मोल होता है, उसी का खर्चा होता है, सैर सपट्टा करे और अपना खाना वाना खावे, गुटी शूटी लावे, और रेस्टोरेंट में बढ़िया एसी कमरे टेलीविजन चल रहा है, ठाठ कर रहा है। और जब वो 2 महीने का जो खर्चा ले गया था वो पूरा ख़त्म हो गया, जेब खर्च उसका, उसको स्वयं वापस आने की लगन लग जाती है, यानी अपनी जेब से जो पैसा ले गया था उसको बर्बाद कराया, वापस कर्म क्षेत्र में आ गया। अगले वर्ष फिर इसी तरह कोई पैसा बचे तो बचे, ना भी बचे और फिर वही ब्रान माटी। तो कहने का भाव ये है, ये स्वर्ग जो यहाँ के हैं ये हमारे को
मूर्ख बनाने के लिए, हमारे को ठगने के लिए, हमारी अध्यात्म कमाई को नष्ट कराने के लिए बना रखे हैं। तो ऊपर स्वर्ग में भी सुख को नहीं। ये दुर्वासा नाम के एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने इन यादों को, श्री कृष्ण जी के कुल को श्राप दे दिया था और उनके श्रापवश पूरा यादव वंश नष्ट हो गया था, श्री कृष्ण समेत मारे गए थे। अब यहां तो वो महर्षि और ब्रह्मचारी को आ गया, ऊपर स्वर्ग लोक में गया, वहां डांस हो रहा था। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि वहां पर उस रेस्टोरेंट के बैठे थे ऊंचे ऊंचे आसनों पर, और सामने एक अप्सरा नाच रही थी खूबसूरत। अब यहां तो बचकर चला गया वो, अब वो वहां से कैसे बचाए? अब वो सुंदर लड़की को अर्धनग्न शरीर में देखकर उसके अंदर वो दुष्टता जागेगी, एक बांवरे का रूप बनाया और उस लड़की के अर्ध शरीर पर उसके सतन को काट लिया, दूधी पर छू लिया, डंक मारा। अब जैसे किसी का तो तैया भरड़ आकर लड़े तो हाथ मारा एक आदमी, उस लड़की ने हाथ मार दिया, वो पट दे ही जमीन पर गिरा। वो ऋषियों को तो पता था कौन से की सीट खाली है, कौन गया बकवाद करन, सब आसन लाग गए। आसन लग गए तो वो दुर्वासा बनकर खड़ा हो गया बावरे ते। अब यहाँ तो ये बकवाद है, कितने देख ले लाठियाले की भैंस है यहाँ ते। उस लड़की ने अपना बचाव किया था, बताओ उसकी कई इंसल्ट कर दी दुष्ट की, खड़ा होते दुर्वासा बन गया, श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी मृतलोक में, तू गधी बन जा। अब वह लड़की मर गई, वह मृतलोक में आकर गधी की योनि भोगन लगी। अब इस तरह उसने यहाँ साधना की, या तो दुनिया की दृष्टि में बाल ब्रह्मचारी और वहाँ बकवाद जा करी और अपनी कमाई को नष्ट कर दिया, उस लड़की को श्राप दे दिया, उस दिए हुए श्राप की उससे उसकी भक्ति अक्षीण हुई और पाप अकाउंट में लिखा गया। अब यहाँ परमात्मा ने ये अध्यात्म यानी ये परमात्म ज्ञान बताया है, तत्व ज्ञान बताया है कि ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तुम्हारे को मूर्ख बनाया गया है। तो यहाँ कोई सुख नहीं है। इंद्र की हिस्ट्री देख लो, यहाँ पे स्वर्ग के राजा की असुरों के साथ उनका युद्ध हो रहा है। एक बार लिखा कि राक्षसों ने इंद्र की गद्दी को छीन लिया, इंद्र को मार मार कर भगा दिया, देवता भाग गए सारे की तरह छुप गए। बता के ये सारे या आग लाग रही है? यहाँ का इतिहास देख लो, पिछला इतिहास हम पढ़े देखें, फलाने राजा ने उस राजा पर चढ़ाई कर दी, उसके राज्य को छीन लिया, उसने जंगल में जाकर अपना शरण ली, सारा आग लगी पड़ी है। तो परमात्मा कहते हैं मन तू चल रे सुखे सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लग्यारे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे। आज आपके पास संतान भी है, संपत्ति भी है, कार कोठी भी आपने खूब सुंदर बना रखी है, इस तत्व ज्ञान के सुने बिना आपके वो आपको वो जागृति नहीं होती सत्संग के सुने बिना, और एक मिनट में मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे हो इसे इसे करोड़पति अपने हेलीकॉप्टरों में क्रश होकर के नष्ट हो रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक एयर क्रैश में मारे जाते हैं, और फिर क्या, पहले तो सब कुछ उसका था और अब कुछ भी को नहीं, ना जाने कहाँ पशु योनि में धक्के खा रहा होगा। ये है परमात्म ज्ञान, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। अपुनात्मा जब आपकी यह भांग उतर जाएगी, परमात्मा कबीर जी कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, या त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से निकल रही तरंगे, ये सबको प्रभावित किए हुए हैं और इन्हीं के आधार से हम यहाँ, जैसे रजगुण के प्रभाव से हम यहाँ की सुख सुविधा संतानोत्पत्ति करते हैं, ठाठ बाठ ऊंच पोस्ट, और विष्णु जी के सद्गुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में ममता, बाप की बेटे में, बेटे की माता पिता में, माँ की पिता में, ऐसे यानी अपने संतान और संपत्ति में हम जकड़े हुए हैं, हमारे बस की बात नहीं इससे हम दूर हो सके, मरते से तड़के जाओ।